हेलो दोस्तों, ये गाड़ी है टाटा एस गोल्ड BS6 और ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और साथ ही साथ इसके इंस्ट्रूमेंट कस्टमर इंजन स्टार्ट डिनाइड का मैसेज हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैं क्रैंक करके दिखाता हूँ तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो चलिए सबसे पहले हम लैपटॉप को कनेक्ट करेंगे, देखेंगे क्या क्या फॉल्ट कोड आ रहे हैं और किस वजह से स्टार्ट नहीं हो रही। और जब भी आपकी गाड़ी में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस गाड़ी के अंदर 5 फॉल्ट कोड हैं। ओके, तो दोस्तों जब भी आपको फॉल्ट कोड देखना हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो मेन फॉल्ट कोड है वो चेक करना है। क्योंकि तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें जो मेन फॉल्ट कोड है यूरिया क्वालिटी सेंसर, यूरिया कंसनट्रेशन हाई, और बाकी के जो फॉल्ट कोड हैं वो इसी फॉल्ट कोड की वजह से आए हैं। अगर ये फॉल्ट कोड ना आता तो ये बाकी के जो 4 फॉल्ट हैं ये भी नहीं आते। ओके, तो सब जब भी आपकी गाड़ी स्टार्ट ना हो, कुछ इस तरह के फॉल्ट कोड आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको व्हीकल पैरामीटर में जाना है और उसके बाद यहाँ आपने चेक करना है यूरिया रिमेनिंग किलोमीटर। अगर वो भी कम रहेंगे तो भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ज़्यादातर BS6 गाड़ियों में जब भी कोई गाड़ी स्टार्ट ना हो तो सबसे पहले आपको यूरिया रिमेनिंग किलोमीटर को ही चेक करना है। तो अभी मैं कुछ पैरामीटर और सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि यूरिया लेवल। हालांकि यूरिया तो है उसके अंदर, लेकिन फिर भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ उस पैरामीटर को, यूरिया लेवल इन लीटर। एक पैरामीटर और सिलेक्ट कर लेते हैं यूरिया क्वालिटी का, यूरिया कंसंट्रेशन। और स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ इसका यूरिया रिमेनिंग किलोमीटर है वो 0 है दोस्तों, और यूरिया लेवल लीटर 6.38, ये भी ठीक है लगभग। और इसका कंसंट्रेशन जो है वो 63.5 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसकी जो दोस्तों लिमिट होती है वो 30 से लेकर 33-33 तक लगभग यूरिया सही रहता है, 34 तक भी सही रहता है। ओके, इसकी वैल्यू बहुत हाई है। तो सबसे पहले हमें रिमेनिंग किलोमीटर बढ़ाने होंगे। सबसे पहले आपको SCR इंड्यूसमेंट मोड पर जाना है और SCR इंड्यूसमेंट रीसेट को सिलेक्ट करके रीस्टार्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रीस्टार्ट पर क्लिक करोगे ये सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, तो अभी मैं आपको रीड DTC करके दिखा देता हूँ फिर से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले यहाँ 5 फॉल्ट कोड आ रहे थे, अभी सिर्फ 3 फॉल्ट कोड कन्फर्म में हैं। ओके, और यहाँ से अभी मैं ऑल DTC को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले इसमें जो 2 फॉल्ट कोड कंफर्म में थे, SCR इंड्यूसमेंट, 4 इंजन शट डाउन, रिमेनिंग SCR डिस्टेंस विद इन इस वार्निंग स्टेज 2, ये दोनों ही मेमोराइज में हो गए हैं। बाकी जो यूरिया क्वालिटी सेंसर, पुअर यूरिया क्वालिटी कंटेमिनेशन वाला फॉल्ट कोड है, जब तक आप इस पर काम नहीं करोगे तब तक ये SCR की और चेक लाइट की लाइट नहीं जाएगी। तो अभी ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि जो मैंने इसको रिसेट कर दिया है और उसके जो यूरिया रिमेनिंग किलोमीटर है वो 0 से बढ़कर 50 हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यूरिया रिमेनिंग किलोमीटर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 0 से बढ़कर 50 हो गए हैं। अभी आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। बाकी आपको यूरिया क्वालिटी वाला जो फॉल्ट कोड है जिसमें 63 वैल्यू आ रही है, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो अभी मैं इंजन स्पीड सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इंजन स्पीड से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ी स्टार्ट है अभी। ओके, तो दोस्तों जब भी आपकी गाड़ी स्टार्ट ना हो और यूरिया रिमेनिंग 0 हो तो आप इसको SCR इंड्यूसमेंट को रिसेट करके गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो।